हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम इज आकाश गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेसन में सॉल्वर्स के स्केचिंग टूल्स के कुछ कमांड्स के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम आगे के कुछ टूल्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ हिडन टूल्स हैं इसके अंदर, उसके बारे में हम जान लेते हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। मेरा अगला टॉपिक है एक्सटेंड। जैसे देखो आप, एक हमने स्केच बनाया और एक ओपन ऑब्जेक्ट बना दिया हमने लाइन। अब इस लाइन को मुझे इस यहाँ तक एक्सटेंड कराना है। स्ट्रिम के अंदर एरो बना है, इस एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सटेंड का ऑप्शन, एक्सटेंड एंटिटी, ये लिया हमने, लाइन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली इस लिमिट तक एक्सटेंड कर देगा। फिर इस लाइन पे क्लिक किया, ये इस आगे वाले लिमिट तक कर देगा। फिर ऐसे ही करता रहेगा जहाँ तक लिमिट रहेगी। फिर इसके बाद से फर्दर कोई एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे कोई लिमिट है ही नहीं, तो एक्सटेंड कैसे करेगा। सो इसलिए एक आगे वाली लिमिट तक किसी भी ओपन ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड एंटिटी। ओके, ये किसी भी ओपन ऑब्जेक्ट को भी कर सकता है। जैसे देखो आप, एक हमने ये आर्क बनाया, ओपन आर्क, फिर इसमें गया एक्सटेंड एंटिटी, इस पर क्लिक किया, देखो आपका हो जाएगा हमारा एक्सटेंड। ठीक है, तो किसी भी ओपन ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सटेंड एंटिटी। ओके, अगला कमांड है हमारा टूल्स, स्केच टूल्स। देन नेक्स्ट कमांड हमारा स्प्लिट एंटिटी। स्प्लिट लिया हमने, इस लाइन पे हम इस पॉइंट पे क्लिक करूँगा, इस लाइन को उस पॉइंट पे ब्रेक कर देगा। देखो इस पे क्लिक किया, यहाँ कर देगा, जिस पॉइंट पे क्लिक करूँगा वहाँ पे कर देगा ऑटोमेटिकली ब्रेक। ठीक है, अगर मुझे डिस्टेंस सेट करना है तो फिर आपको स्मार्ट डायमेंशन लेना पड़ेगा, वहाँ से लाइन लेनी पड़ेगी और यहाँ पे क्लिक करके ऐसे आप मॉडिफाइड कर सकते हो जितना आपको चाहिए। ओके, सपोज सबको 50-50 देना है तो आप रिलेशन ऐड कर दो, जैसा कि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। ठीक है, या तो कंट्रोल प्रेस करके या तो ऐड रिलेशन सेलेक्ट करके उन लाइंस पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली सब पे इक्वल कर दो, तो ऑटोमेटिकली सारी लाइन इक्वल हो जाएंगी हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। ओके, अगला टूल है हमारा टूल स्केच टूल्स। देन नेक्स्ट हमारा जॉग लाइन। जॉग लाइन लिया हमने, ये इंटरनल स्लॉट कट करने के लिए यूज़ करते हैं इस तरीके से। फिर इस लाइन पे क्लिक करो, जितने लेंथ तक का करना है स्लॉट कट उस तरीके से करते रहो। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करते रहेंगे। तो इस टाइप के कोई फीचर को कट करने के लिए यूज़ करते हैं हम। ओके, ये जो ग्रीन सिंबल्स बन के आ रहे हैं, जो रिलेशंस के सिंबल्स हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेसन बताया था, इनको हाइड करने के लिए यहाँ से शो एंड हाइड आइटम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये हाइड हो जाता है हमारा। ओके, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा स्केच टूल्स। और नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक मिरर। तो हम पढ़ चुके हैं डायनेमिक मिरर। ये डायनेमिक मिरर बेसिकली होता क्या है, ये देखते हैं। डायनेमिक मिरर यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से हमने सेंटर लाइन लिया, देन टूल्स स्केच टूल्स और यहाँ पे डायनेमिक मिरर। डायनेमिक मिरर लेने के बाद से यहाँ से हमने लिए टूल्स स्केच टूल्स डायनेमिक मिरर। डायनेमिक मिरर लेने के बाद से हम इस लाइन पे क्लिक करेंगे, तो जैसे इस सेंटर लाइन पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर और नीचे की तरफ दो डबल साइन बन के आ जाएंगी, जिसका मतलब ये होता है डायनेमिक मिरर। ओके, ये करने के बाद से अब मैं कोई भी कमांड लूँगा यहाँ से और लेफ्ट से ड्रॉ करूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये देखो आप राइट से ड्रॉ होता जाएगा हमारा। ओके, तो इस तरीके से ड्रॉ होता जाएगा। किसी भी लाइन को आप क्लिक करके मॉडिफाइड करोगे तो राइट साइड भी मॉडिफाइड होता रहेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में सिमेट्रिक का रिलेशन बन गया है। ठीक है, इस तरीके से सिमेट्रिक रिलेशन, जो लेफ्ट साइड वाले में मूवमेंट होगा वही राइट साइड वाले में भी मूवमेंट होगा। ओके, लेकिन जैसे इस लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा तो वो वाली लाइन डिलीट नहीं होगी। मतलब इसका ये है कि डायनेमिक मिरर केवल और केवल स्केचिंग टूल्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, ना कि मॉडिफाइंग के लिए। ओके, मतलब मॉडिफिकेशन करने के लिए ये मिरर का काम नहीं करेगा, केवल ड्राइंग कमांड्स के लिए, ड्रॉ कमांड के लिए यूज़ काम करेगा, जैसे लाइन, सर्कल, पॉलीलाइन, ओके, रेक्टेंगल, स्लॉट, पॉलीगन, एलिप्स, इन सब को बनाने के लिए हम मिरर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ट्रिम करना हो, ऑफसेट करना हो, मिरर करना हो, पैटर्न करना हो, तो वो डायनेमिक मिरर में काम नहीं करेगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लेसन में हमारा नहीं, हमने एक्सटेंडिटी, स्प्लिट एंटिटी, जॉग एंड डायनेमिक मिरर के बारे में हमने पढ़ा था।
सो फ्रेंड्स, आगे के लेसन्स के बारे में जानने के लिए देखते रहे हमारे YouTube चैनल के वीडियोस को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक. थैंक यू.